बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला के रहम करम से हम बिल्कुल ठीक है। सो अल्लाह के नाम लेकर आज के व्लॉग का आगाज़ करते हैं। अभी हम लोग यहाँ ठहरे थे जकार्ता में, और मैंने सोचा कि आज का व्लॉग भी जकार्ता का होना चाहिए, क्योंकि हमेशा जो है ना हम एक ही इलाके में जो है व्लॉग बनाते हैं। ये गली है जनाब, और साथ ही जो है ना इस्तिक्लाल मस्जिद थी, कल ठहरे थे यहीं पर। और सामने ये होटल आप लोगों को दिखाता हूँ, और कितनी प्राइस हम लोगों से इन्होंने चार्ज किया। ये यूटीज होटल है, ये देखिए, और तकरीबन इंडोनेशियन 1,20,000 रुपये, सॉरी 1,10,000 इंडोनेशियन चार्ज, ये पाकिस्तानी 2,200 रुपये बोल। हम लोगों ने सोचा कि पहले यहाँ से नाश्ता करके फिर जो है चलते हैं आगे, क्योंकि फिर हमें टाइम नहीं मिलेगा नाश्ते का। सो इनको समझ नहीं आती क्या मंगवाना है, क्या डालना है। सो मैं खुद जो है ना अकेले डालता हूँ सारा। सबसे पहले जनाब हम गोश्त डाल देते हैं। सो ये ग्रीन मिर्चें हैं गाइस। आप लोगों की भाभी जो है उन्होंने जनाबी उन्होंने भी सिंपल ऑर्डर किया है। हम लोगों का आज मेन काम जो है वो है ऑफिस में जाना, इमिग्रेशन ऑफिस के अंदर, और इनका पासपोर्ट हम लोगों ने अप्लाई किया था काफ़ी देर पहले। हम लोग जा रहे हैं गाइस सीधा इमिग्रेशन ऑफिस में, और इनका जो है पासपोर्ट, उनका जो है हमने सर्टिफिकेट उठाना है रिजेक्शन का। उसकी वजह ये थी कि हम लोग गए नहीं थे, पासपोर्ट अप्लाई करके आ गए थे, फिर उठाने के लिए नहीं गए थे। यू रेडी? 1 मिनट, एक पकड़ मसाद। ये गाइस होटल था, और अक्सर दोस्त पूछते हैं कि कितने पैसे चार्ज करते हैं, तो तकरीबन ये लोग 1,00,000 इंडोनेशियन चार्ज करते हैं। Thank you.
गाइज इसको लेटर मिल गया है पासपोर्ट रिजेक्शन का, सो हमने खुद रिजेक्शन करवाई है पासपोर्ट की। उसकी वजह ये थी कि हमने एक तो इलेक्ट्रॉनिक पासपोर्ट बनवाना था और दूसरे नंबर पे जो है ना हम लोग वक्त पे यहाँ पे नहीं पहुँच सके थे। इस वजह से जो है ना हम लोग ने पासपोर्ट उनको बोला कि भाई हमारा फ़िलहाल के लिए आप कैंसिल करो और कल दोबारा हम लोग अप्लाई करेंगे और इनका इलेक्ट्रॉनिक पासपोर्ट, क्योंकि उसकी फ़ायदा ये है कि जापान का वीज़ा ऑन अराइवल है इनके इलेक्ट्रॉनिक पासपोर्ट पर, और कई सारे कंट्रीज़ जो है ना वो यानी कि उसकी ज़्यादा पावर है। तो इंशाल्लाह फिर वो हम लोग उसकी 6-6.5 लाख इंडोनेशियन फ़ीस है इंडोनेशियन के लिए। ये मछलियाँ हैं माशाल्लाह बड़ी प्यारी प्यारी, ये दफ्तर में है हम लोग जकार्ता पुसत में, और ये चेक करेंगे इस बड़ी प्यारी मछली। यस आमविल आमविल सातू नथिंग ओ नो नो कैन मक्कन कभी सर सो गाइज अभी हमें सर्टिफिकेट उन्होंने एक दिया है और उसके बाद जो है ना अंदर एक बंदा था उसने हमसे बात की है, उन्होंने बोला कि आप जो है ना अभी अप्लाई कर सकते हो लेकिन आज लेट हो गया है, आपकी फिंगर नहीं हो पाएंगे, तो कल अगर आप आ जाएँ तो मैं आप लोगों की हेल्प करूँगी। मुमकिन इन्होंने एक बंदा देखा है उसका फेस है पाकिस्तानी, मिक्स है इंडोनेशियन और पाकिस्तानी। यस बिकॉज इफ दी आर देयर इन पाकिस्तान नो मन कैन नो अंडरस्टैंड। इतना मुमकिन है और इंडोनेशिया इस तरह और इंडोनेशिया के लिए सब प्रकार का टावर, व्हाट इज दिस आई सी टावर। सो गाइज हम लोग अभी जा रहे हैं इंडो मार्ट पे। यस दीदी के पासपोर्ट ने गाइज मुझे तंग करके रखी है, पहले बनवाने के लिए आए थे फिर ये वापस नहीं आई, उधर गांव चली गई थी अपने और वो मिसिंग हो गया, तो उसके बाद हमने गलती से उम्र का सिलेक्ट कर दिया, क्योंकि अगर आप उम्र का सिलेक्ट करते हैं ऑप्शन तो वहाँ पर जो है फिर उम्र के डॉक्यूमेंट उनको दिखाना लाजमी है कि हम उम्र पर जा रहे हैं। हमारा इरादा था आज उम्र पर जाने का लेकिन फिर बाद में हमारा कैंसिल हो गया था, और इस वजह से जो है ना उन्होंने हमसे डॉक्यूमेंट बोले कि उम्र के ले आओ, हमारे पास वो थे नहीं क्योंकि हम लोगों ने प्लान ही हमारा कैंसिल हो गया इस वजह से, और अभी जो है उन्होंने बोला है कि जी ठीक है आप इसको ख़त्म करवा के फिर नए सिरे से ज़ीरो से आप स्टार्ट कर सकते हैं। सो मार्ट पे आए हम लोग कुछ पीने के लिए। जकार्ता के अंदर गाइस इतने सारे रूट्स हैं कि चक्कर आ जाते हैं बंदे, मैं तकरीबन एक ही रोड पे मैंने 10 दफ़ा चक्कर काटे हैं, और गर्मी होए होए 34 डिग्री टेम्परेचर है, 34 डिग्री टेम्परेचर है और हमें गर्मी महसूस हो रही है, हालांकि इतनी गर्मी भी नहीं है लेकिन फिर भी हमें जो है वो मतलब कि ठीक ठाक 34 डिग्री जो है ना 38 पे पहुँच जाए तो ये इंडोनेशिया वालों का क्या हाल होगा पता नहीं। गाइज ये इंडोनेशियन करेंसी के नाम बताएगी इंडोनेशियन जबान में, इन बराबा नहीं 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 ब्रापा सरातुस सरातुस पेरा इन ब्रापा सरीबू ओके इन ब्रापा ओ इन लीमा रातुस नो लीमा पुलो रिबू नो ओ 5,000 का सिक्का ओके ओ इन यंग कच्ची लबी कच्ची लीनी माना 100 रुपये वाला सिक्का सबसे छोटा है, उससे बड़ा नोट कौन सा है इनी डुआ रिब्बू 2,000 रुपये इनी
5000 ini 10000 10000 10000 ini 50000 और इससे बड़ा नोट पाकिस्तान में तो 5000 का नोट है गाइस, और इनका सबसे बड़ा नोट जो वो 1 लाख का है, इससे ऊपर जो है, और इसके बाद और बड़ा नोट नहीं है, बस 1 लाख का जो है ना इनका लास्ट नोट है। तराखिर निसरत श्री वो, यस वेरी नाइस। और इनका 1 लाख पाकिस्तानी आजकल 1700-1750 से 1800 के दरमियान बन रहे हैं। हाँ ये है सरात श्री वो, 1 लाख का नोट है। थैंक यू, थैंक यू। ओ इंडोनेशिया में भी ऐसे बनाते हैं, इंडोनेशिया में सपरते तो यस, मैं समझ रहा सिर्फ हम पाकिस्तान में सिक्के को छापते हैं इसके ऊपर माना। ओ माशाल्लाह सिक्के को किसी टाइप इसके ऊपर रख के। हाँ सरिबु सरिबु 1000 यस सरिबु कॉइन का क्या मिलता है बायर आप 20000 बायर या 11000 10000 और 10 रुपए का नोट। सिंपल 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 प्रोसेस। दिस इज़ कन 10000 दिस इज़ हाई 20 दिस इज़ 10000 दिस इज़ 1 पाकिस्तान सप्रति तो 100 यानी 50000 द सेम हाई 20 500 पाकिस्तानी रुपीस द सेम लाइक 500। अच्छा जी इसको आप डबल कर दें, 500 को डबल कर दें 1000 रुपये यानी पाकिस्तानी 1000 रुपया बन जाएगा। ये बेसिक जो है ना यहाँ का 500 है इंडोनेशिया का, लेकिन पाकिस्तानी ये 1000 रुपया बन जाएगा गाइस। सो गाइस मेरे पास ये सिक्का है, यूँ समझें कि ये 1 रुपये का सिक्का है और ये 5 रुपये का। चलें 1 रुपये का छोड़ें, हम 10 रुपये का जो है ना इससे पूछते हैं कि 10 रुपये का क्या मिलेगा। ये दो सिक्के मिला के ये 10 रुपये बनते हैं, यूँ समझे पाकिस्तानी पैसों में अगर वैसे देखें। और एक साइड पे लड़का है और एक साइड पे लड़की की सिर माना चाहिए। ओके यू गिव मी समथिंग इन दिस अमाउंट, गिव मी समथिंग। No, no. Give me something for no. food, for it. दस रुपए का कुछ भी नहीं मिलेगा तो फिर नोट क्यों बनाया आप लोगों ने? टॉफी बल्ला दे चा मसाद कोई बल्ला शला दे चा 2 रुपए का 2000 रुपए का मिल से ये 1000 है 2000 रुपए का बल्ला शला कोई टॉफी शाफी कोई टॉफी टिक्की यार डन्ना ने अल्लाह सैद हटी तो 2 रुपए चाह के वेंदी असे सा बड़ा चीज़ा घेन आंदे असे मसाद हुन तू इवें करे ने साडे ना सॉरी नो कैन बाय नथिंग गबीसा बायर स्यापा पुन नथिंग ओके ओके डुआरीबू का क्या आएगा देखते हैं हम लोग गाइस। ये है जनाब डुआरीबू यानी कि 20 रुपए, चलो भी ये भी 10 रुपए हैं, इसका क्या आएगा? यस गिव मी समथिंग मसाद बल्ला है उनको भी स्कैन करके दीते सी बल्ले को एक एक बल्ला स्कैन करके देर डुआरीबू ही नहीं अस्तगफिरुल्लाह डुआरीबू दिस इज यू नो इन पाकिस्तान 1 रुपए का बल्ला सी 1 रुपए का बल्ला 20 रुपए का बल्ला हाँ मसद का वेलकम टू इंडोनेशिया 20 रुपए का बल्ला है यू नो नाने अल्लाह सैद की हट्टी थे कम लुक मेसी में नाने अल्लाह सैद की हट्टी थे 2 रुपए की तकरीबन 7-14 टाइफियाँ मिल जान एक दौर 2 रुपए जा वाई वेरी वेरी एक्सपेंसिव वाई क्वालिटी अच्छा जी क्वालिटी अच्छी होगी जनाब। अच्छा जी ये भेद देखिए तो बना हुआ है भेद देखिए तो बना बल्ला बना हुआ है मसाद
Masad quality ka shani hundi bas ye mein film ho jaye. Because they are mangandum vitamin. Acha vitamin wala. Yeah. E vitamin wala bal hai. Yes. Acha ye hun navi film hai sahi guys. E hun vitamin wala bal hai ji. ठीक है जी, मतलब के जेड़े मरीज को भी विटामिन की कमी हो, जेड़े पेशेंट को डॉक्टर को भले दी आवे है भले को जी सब बता बुका ओपन चोबा मैं तो देखा केड़े विटामिन है नहीं भले ये खुल ही नहीं रहा मसाला तो केड़ा के जहाँ भला खुल खुल दे नहीं मेरे को कोई तीली छिड़ी गाइस ये विटामिन वाला बल्ला है मैं चेक कर रहा हूँ इसको टेस्ट करके ये कैसा लेकिन ये तो कहीं नहीं खुल रहा है इससे वो छिलके नहीं उतर रहा कैसा टेस्ट है ये देखें गाइस अंदर से ऐसे है हाँ हाँ ठीक है बेहतरीन मसाला अपा रासा है गुड रासा गुड बाग बिल्कुल मीठा बल्ला है स्वीट मानिस ओके गाइस बल्ला बहुत अच्छा है फर्स्ट टाइम मैंने ट्राई किया वैसे मैंने क्या कि सोचा कि यहाँ पे चेक करता हूँ क्या मिलता है अब ये देखिए ये 100 का नोट है यानी कि बेसिक जो है ना इसकी दो सिफरें गायब कर दे तो 1 रुपया बनता है और इनका 1 रुपया पाकिस्तान के 1 रुपया और 70 पैसे या 80 पैसे लगभग बनते हैं सो ये डिफरेंस है और मेरे ख्याल से अब तो पाकिस्तान में भी 10 रुपये का कुछ नहीं मिलता होगा लेकिन इनके जो 20 रुपये है ना वो पाकिस्तान के 38 रुपये या 36 रुपये बनते हैं पाकिस्तानी पैसों में तो ये पाकिस्तानी 38 रुपये की इसने सिर्फ एक बल्ला दिया है मुझे जो कि बार कोड उसके ऊपर भी बार कोड लगा स्कैन करके क्या है जनाब ये बल्ला विटामिन वाला है ये सही मून विटामिन वाला बल्ला है मेरे को लगता है भेड़ खीर का बल्ला बड़ा अब अगर किसी को भेड़ का नहीं पता तो वो भेड़ को भेड़ कहती है तो भेड़ का जो दूध होता है ना उसे बल्ला बनाते हैं ये चेक करें गाइस कितनी ट्रैफिक है जकार्ता के अंदर ओ बिल्कुल और इतनी गर्मी में और इस ट्रैफिक में हम लोग आए हैं अभी हम लोग जनाब अपनी बाइक निकालने के लिए जा रहे हैं क्योंकि हमने इधर इमिग्रेशन ऑफिस में पार्क की थी और छोटा मोटा काम है वो करके इंशाल्लाह फिर हम लोग घर पर चलते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा डोंट फॉरगेट ओके थैंक यू सो मच गाइस आप लोगों का बहुत शुक्रिया मेरी वीडियो को यहाँ तक देखा हम लोग सबसे पहले जनाब सुबह रात को ठहरे थे होटल में और होटल से हम लोग निकले और यहाँ पर जो जो जगह दिखाई आप लोगों उम्मीद आप लोगों को पसंद आई थी पिछली वीडियो लाजमी देखिएगा मस्जिद इस्तकलाल काफ़ी टाइम से मेरे व्यूअर रिक्वेस्ट कर रहे थे कि उसके बारे में जो है ना वीडियो बनाओ तो पिछली वीडियो जो है ना वो मस्जिद इस्तकलाल के मुतालिक है आप 6 मिनट आगे करके जाएंगे तो और इसके अलावा आपको स्क्रीनशॉट शो हो रहा होगा ये लड़का बेचारा बहुत गरीब घर से ताल्लुक़ रखता है और इसकी लाजमी आप सपोर्ट करनी है इस बेचारे का चैनल आपने लाजमी सब्सक्राइब करना है व्लॉगिंग चैनल है और एडिटिंग जो है ना लड़का बहुत अच्छी करता है वीडियो इसकी फ़नी वीडियोज़ वगैरह बनाता है तो इस बेचारे के चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा सो थैंक यू सो मच गाइस अल्लाह हाफिज़ आज तक के लिए इतना ही नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी सारी सो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए बाय बाय अल्लाह हाफिज़